हे गाइस वेलकम टू बैक विद अनदर ब्लॉग। और आज फिर से ब्लॉग बनाते बनाते मेरा फिर से तबीयत खराब हो गया है, बट कोई बात नहीं आपके लिए कुछ भी। सो ये रहा मेरा नया ब्लॉग। और आज का जो ब्लॉग है, मैं फिर से बोलूँ मेरे साथ फिर से बुरा घट गया। मैं क्या ही करूँ, मेरे साथ होता ही हमेशा वैसा गड़बड़, बट कोई बात नहीं। तो क्या गड़बड़ हुआ है, चलिए मैं शुरू करते हैं इस वीडियो को। अब बने रहिए इस वीडियो को, और इस वीडियो को जाते जाते लाइक शेयर सब्सक्राइब और बेल आइकन का बटन तो जरूरी दबाना। और आप लोग मेरे जो मेरे प्रीवियस जो वीडियो पे प्यार दे रहे हो, थैंक यू सो मच। बट आप लोग देते रहो और मैं ये वीडियो आप लोग के लिए बनाता हूँ। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। तो बुरा का बात तो बोलूँगा तो बहुत ही बुरा हुआ। तो बुरा क्या हुआ दिखाता हूँ। तो ये रहा वो बुरा बात, मेरा टायर अगर। तो दो दिन पहले जब मैं अपना गाड़ी चला रहा था, पता नहीं क्या हुआ, देन ये मेरा जो टायर अगर है, आप लोग को दिखाता हूँ। आप लोग देख सकते हो ये वाला चीज़, मीन्स इसका जो क्लैंप है, क्लैंप का एक साइड वाला मेरे से पता नहीं क्या हुआ। मैंने जस्ट गाड़ी रन किया, 40 पे गया मेरा गाड़ी, एंड देन इट्स क्लैंप और ये गया वहाँ पे जाके स्टक हो गया। मैं बहुत ज़्यादा टेंस में था कि डायरेक्ट ये टूटा कैसे, बट पता नहीं क्या करूँ। इसको जब मैं फिक्स करवा रहा था उस टाइम, भैया ने जो लगाया इस पर वो थोड़ा सा ज़्यादा उन्होंने ठोक दिया था, बट क्या करूँ। तो फिर मैंने जहाँ पे लगवाया ही है, तो मैंने फिर वहाँ पे कांटेक्ट किया, उन्होंने बोला कि परसों आओ, और वो आज के दिन मतलब बोल रहे थे आने के लिए, तो आज परसों हो गया है। तो मैंने उन्हें फ़ोन किया तो वो बोले कि सेकेंड हाफ तक आप आओ, फिर मैं आपका जो है वो मैं आपका रिप्लेस करवाऊँगा या उससे अच्छा दे दूँगा। तो सो चलिए देखते हैं क्या होता है। सो बने रहिए इस वीडियो पे, एंड जाते जाते आप लोग को दिखाता हूँ कि गाड़ी में क्या डैमेज हुआ। आप लोग को तो बताया कि ये टूट गया है मेरा, और यहाँ पे स्क्रैचेस बहुत सारे हुए हैं। आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कितना गंदा, बट ऐसे बाइक पे कुछ नहीं हुआ, बस इसी पे जो हुआ हुआ, एंड इसके वजह से थोड़ा वेट भी बढ़ गया बाइक का, बट कोई बात नहीं। चलिए जाते हैं, देखते क्या होता है वहाँ पे। फाइनली टाइम आ गया, हुमी को लेकर मैं निकल रहा हूँ। सो अब देखते क्या होता है, और वहाँ जाके क्या होगा नहीं होगा वो भी आप लोग को बताऊँगा। सो बने रहे इस वीडियो पे। और यहाँ से तो आपको पता है मेरे पास अभी कोई होल्डर नहीं है, सो डायरेक्ट आसनसोल जहाँ से मैंने ये फिट करवाया था वहाँ पे जाके शुरू करता हूँ। तो गए धूमी को लेके, देखना बोला था कि लेके आ गया फिर से अजवानी मोटरसाइकिल, और वहाँ पे मैंने अपना गाड़ी रख दिया है। अब भैया को बोला हूँ, अब देखते हैं भैया क्या बोलते हैं, और जो होगा दिखाता हूँ। जैसा कि आप देख रहे हो भैया यहाँ पे खोल रहे हैं जो मेरा टूट गया था। तो भैया एक स्टील का प्लेट मेरे को भी बता रहे हैं, देखो अभी यहाँ पे भैया ने खोल दिया जो टूट भी गया था। देख सकते हो कि यही वाला मैं बोल रहा था कि बस ही एक पार्ट है, बस आप लोग देख सकते हो एक पार्ट बस रह गया था, बाकी आधा पार्ट उधर है। तो भैया ने बोला कि दूसरा क्लैंप दे रहा हूँ, वो नहीं टूटेगा, तो देखते हैं क्या होता है, बने रहे इस वीडियो पे। तो ये रहा आप हम लोग का बैक गार्ड गाइस, जो मैं बोल रहा था यही आप लोग देख सकते हो, मैं जो भी दिखा रहा था यही टूट गया है। तो गाइस यही बात था, इसीलिए मैं फिर इसको लेके आ गया था अजमानी मोटरसाइकिल्स में, आप लोग देख सकते हो। तो जो होता दिखाता हूँ, और अपना भाई साहब भी वहीं पे है जो मैं इतना जिसे खोज रहा था। अगर वो लग जाता है तो आपको दिखाता हूँ कि लगने के बाद कैसा लगता है। बस यही मुझे करवाना था इतने दिनों से, और मुझे मिल नहीं रहा था टाइम, और वो भी नहीं मिल रहा था। देखते क्या होता है आगे। बहुत दिनों से ये भाई साहब खोज रहा था अपने इंस्टॉल करवाने के लिए, देखता हूँ मैं तो इंस्टॉल लगा के कैसा लग रहा है। यही मैं बहुत दिनों से खोज रहा था, जब लग जाती है तो दिखाता हूँ, देखता हूँ लगती है कि भी नहीं। लेकिन मुझे बहुत दिनों से उम्मीद था कि ऐसा कुछ लगेगा, देखता हूँ थोड़ा अपने हुमी को लुक देकर क्या लग रहा है। लास्टली भाई साहब मिल गया। तो आप लोग देखो यहाँ पे स्टील वाला भैया ने लगवा दिया है, तो बस इससे वो क्लैंप हम लोग का जो ये है मेन हम लोग का बॉडी है वो फिट हो जाएगा इस क्लैंप के साथ। तो जब लग जाता तो दिखाता हूँ। यहाँ पे मेरे दूसरे भैया हैं, वो अब इसको फिट कर रहे हैं। और ये रहा हम लोग का फ्रंट वाइजर जो बहुत दिनों से खोज रहा था। क्या लग रहा है गाइस, अपनी हुमी पे लगेगा तो पता नहीं कैसा लुक आएगा अपनी हुमी पे, बट उसके लिए आप लोग को फुल वीडियो देखना पड़ेगा, तभी आप लोग को अच्छा लगेगा। और आप आ सकते हो अजमानी मोटरसाइकिल्स पे, और जो टूटा हुआ था उसका एक पार्ट अभी भी गिरा हुआ है। सो देखते हैं क्या होता है, पहले ये तो लगे। यहाँ पे भैया ने क्लैंप के साथ वो फिक्स कर दिया है, आप लोग देख सकते हो जो टूट गया तो हो गया था, बट यहाँ पे भैया ने स्टील के साथ इसको एडजस्ट कर दे रहे हैं कि इन फ्यूचर नहीं टूटे। तो ये एक अच्छी बात है, भैया ने से ठोक के इसको एडजस्ट किया था, आप देख पा रहे हो इसे उसी पोजीशन में लगा रहे हैं कि वहाँ तक वो पहुँच के
भैया इसे उस तरह से एडजस्ट कर दिए हैं एकदम फिट। देख लो तो गाइस यहाँ पे आप लोग देख सकते हो अपना हागर फिर से इंस्टॉल हो गया गाड़ी पे और स्टील क्लैंप। तो आप लोग देखो तो यहाँ पे अपना निकल रहा है, नंबर प्लेट हटा दिए भैया और भैया इसको यहाँ पे एडजस्ट कर रहे हैं, फिट करेंगे इस पर। यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हो यहाँ पे कुछ ऐसा लुक आ रहा है, बस कोई बात नहीं, ऐसी ठीक लग रही है अपनी। तो भैया अभी इसको इसे यहाँ पे फिक्स कर रहे हैं, देख रहे हैं कि कैसा वो लगेगा और लगने के बाद ही वो होगा। तो अब लोग देखो यहाँ पे भैया इसे फिट करने का कोशिश में है और इसे फिट कर रहे हैं, देखते हैं क्या होता है अभी नेक्स्ट सेविंग का। तो टेंटन है भूमि पे लग गया वाइजर, जो बहुत दिनों से सोच रहा था। अब तो देखो अभी मैंने इसका पन्नी नहीं उठाया, पन्नी उठाऊंगा नहीं और कुछ नहीं लगेगा और बस यही था कार्ड के साथ ये हो गया। देखो कितनी प्यारी लग रही हुई है अब अपनी हमारी। तो ये हो गई है गाइस पूरी फिट, आप लोग देख सकते हो साइड से लुक हुमी का वाइजर। यही वाइजर मैं बहुत दिनों से खोज रहा था, आप देख सकते हो मैंने हुमी को फिट करवा दिया। यहाँ पे मैंने कुछ भी एक्स्ट्रा कोई भी पत्ती या कुछ भी एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं लगवाया। आप लोग यहाँ पे देखो उसने डायरेक्ट लंबा वाला लट लेके इसको फिट कर दिया। तो आप लोग देख सकते हो हुमी को साइड से मैं आप दिखा सकता हूँ, मतलब स्पोर्टी लुक उस पर आई है, बहुत दिनों से सोच रहा था। और जो बात करने वाला था कि डस्ट स्लैम, तो भैया ने इसको मीन्स 50 रुपीज़ लिया इसका, वैसे तो दाम ज़्यादा है बट इसका 50 रुपीज़ ही भैया ने लिया। बोला कि आप क्या करोगे टूट गया, तो उनको भी गलती नहीं है लेकिन क्या करें, वो लक के ऊपर था बट वही है, उन्होंने फिटिंग चार्ज नहीं लिया कोई भी। तो बस ठीक है, क्योंकि आप लोग कहीं भी जाकर लगवाओगे तो इसका फिटिंग चार्ज भी आप लोग को देना पड़ता है, बट मुझे यहाँ पर कोई फिटिंग चार्ज नहीं देना पड़ा। और मुझे आप लोग यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि भाई तो लग चुकी है पूरी, क्या कितना पड़ा टोटली मैं आपको बाद में बताता हूँ। तो यहाँ से अभी मेरे को निकलना पड़ेगा, उसके बाद ही प्रॉब्लम हो गया। भैया ने तो ठीक ही फिट किया था लेकिन वो हुआ ये डैट वो फिर से उसमें टायर पे सट जा रहा है। तो भैया ने यहाँ पे एक्सटेंडर, उन्होंने बोला अभी प्रीतपा जी ने कि एक्सटेंडर लगा दो, तो एक्सटेंडर लगाने के बाद उस पर टायर अगर लगाएगा तभी जाके ये फिक्स होगा, क्योंकि मेरा जो टायर अगर ये बहुत ही भारी है तो डैट्स वाई इसमें ये जोड़ा जा रहा है। तो जो होता है फिर तरीका होता है आपको क्या होगा। तो गाइस भूमि हो चुकी रेडी, वहाँ पे मैं बना नहीं पाया, थोड़ा सा दिक्कत हो रहा था। तो आप लोग देख सकते हो यहाँ पे कम्प्लीटली लुक भूमि का चेंज हो गया है, वाइजर मैंने लगवा दिया है और यहाँ पे एडजस्टर के साथ मैंने पूरा क्लैंप फिक्स करवा दिया। अब इस क्लैंप से अब वो हिलेगा भी ना, तो कोई दिक्कत नहीं, अब वो टूटेगा नहीं। तो आप लोग भी जब लगवाओ तो स्टील का ही लगवा लो, बेस्ट रहेगा ठीक है। उन्होंने बोला कि 180 रुपीज़ पड़ता है उस पीस का, तो उससे आप एक फिक्स करवा सकते हो, लेकिन उसके साथ जो आता है वो क्लैंप आप अगर लगवाना चाहिए तो लगवा सकते हो, लेकिन वो मेरे लिए परफेक्ट नहीं बैठा। तो आप लोग देख सकते हो यहाँ पे कि स्टील वाला मैंने बैठाया है। तो गाड़ी का फुल लुक आप देख सकते हो साइड से कितनी खूबसूरत लग रही है। तो जो होता है फिर से दिखाता हूँ। गाइस भूमि को लेके आ गया हूँ, आप लोग वहाँ पे देखो भूमि वहाँ पे खड़ी है, मैं वहाँ पे देखो भूमि को अपना रखा हूँ। और अभी यहाँ पे मैं अभी आ रहा था तो जस्ट मैंने देखा कि दोनों दो रेडर है, ये वाला नॉर्मल रेडर है, ब्लूटूथ वाला भी रेडर यहाँ पे नहीं आया है। तो इन्होंने अभी जो मैं बोल रहा था आप लोगों को कि 1,17,000 पड़ा है, तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे दो रेडर एकदम चमचमाती हुई खड़ी हुई है। तो आप लोग देखो यहाँ पे फुल जो है PFT वाली ही है, अभी नई वाली आई थी वो बिक गई। तो उसको मैं अभी आया हूँ PS Evraj, क्योंकि यहाँ पे मैंने जैसे आप लोगों को बताया था कि मुझे कुछ पार्ट मैंने वारंटी में भी क्लेम करवानी, इंश्योरेंस अगर होगा तो भी करवाऊँगा अगर क्लेम, देखता हूँ क्या होता है। इसी के लिए मैं मोस्टली आया था आसनसोल, और वो तो आप देख ही सकते हो कि अभी गाड़ी में फायदा लगवाने के बाद कैसी लग रही है। क्लेम का बात हो गया तो अभी आप लोग देखो कैसी लग रही है। तो मैं PS Evraj आया था
तो यहाँ पे मैं बात कर लिया हूँ और उन्होंने बोला कि आप बाद में लेके आइए इसको, मतलब अब क्लेम का बात हो गया कि कौन सा पार्ट में क्या लगेगा नहीं लगेगा वो बाद में बताऊँगा, नेक्स्ट वीडियो अब जब आने वाला है जो, तो बने रहे इस वीडियो पे, बताता हूँ आगे। सो हे गाइस, अभी वीडियो ख़त्म नहीं हुआ है, अभी कुछ और भी बाकी है जो मैं आप लोग को दिखाना चाहता हूँ। ये भी सोच ही रहा था, वाइजर चाहता था कि जल्दी से लगे कि फिर और कुछ करवाओ, तो सो वीडियो को ज़्यादा लेंदी ये नहीं करूँगा, सो बने रहे इस वीडियो पे। सो गाइस, टाइम हो गया जाने का। सो आप देख सकते हो हमारी हुमी कितनी प्यारी लग रही है। ये मैं इसी दिन का इंतज़ार कर रहा था कब आए, और हुमैन भी तैयार है मेरा, देखता हूँ वहाँ जाके क्या होता है। जब तक होल्डर नहीं आता तब तक मुझे ऐसे ही वीडियो बनाना पड़ेगा, लेकिन आप लोग सपोर्ट करो कि एक दिन वो भी जल्दी आ जाए, कुछ अच्छा और भी बना पाओ इंटरेस्टिंग आप लोग के लिए। तो बिना किसी देरी किए चलते हैं। सो अब हुमी को लेकर निकल रहा हूँ गाइस, सो हुमी को करते हैं स्टार्ट। सो आप लोग देख लो, जैसे मैं हमेशा दिखाता हूँ कि अभी हुमी चली है मेरा 4350 किलोमीटर, और कल तक अभी मैंने 38 किलोमीटर ही चलाया है रिफ्यूलिंग के बाद। सो आप लोग देख सकते हो, अब इसको लेके निकलता हूँ। और जो बात कर रहा था टायर घर का, देखो आज दिखाता हूँ ऐसा जुगाड़ कुछ लगा है गाड़ी पे, देखते इसका कुछ जुगाड़ और लगता है कि नहीं। बाकी यही है, अब कुछ नहीं होगा गार्ड पे, अब एकदम मस्त फिटिंग हुई है उस पर। मम्मी को लेके आ गया हूँ भैया का दुकान पे, यही भैया है जो आप लोग देख सकते हो, यही भैया ने पहले हुमी का बोल सकता हूँ हुमी का जो ये स्टिकर तो था आप लोग यहाँ पे देख सकते हो ये लगवाए थे। अब मैं यहाँ पे एक स्टिकर लगवा रहा हूँ, स्टिकर लगने के बाद दिखाता हूँ कि क्या स्टिकर है। और अपने हुमैन में भी मैंने सोचा कि कुछ करवाऊँ, तो सोचा हूँ इसके ऊपर भी कुछ जब लग जाता तो दिखाता हूँ। तो भाई ने यहाँ पे ले लिया स्टिकर, वो अब मिडिल पे लगाएगा, यही दिखे यदि एकदम माझे लगा दिए हैं उसको, मैंने बता दिया है कि मिडिल पे ही लगाना है कि जिससे अच्छा लगे। आप लोग देखो यहाँ पे, आप लोग देख सकते हो, तो हो गया गाइस कितने दिनों से जो इंतज़ार था, अपना चैनल का नाम आ गया अतुल ब्लॉग दुर्गापुर। तो इसीलिए मैं बहुत परेशान था, अब कोई दिक्कत नहीं है। हेलमेट का बारी, तो अब हेलमेट में भी लगने जा रहा है, आप लोग देख सकते हो। टोटली अब अपने हेलमेट में भी अब लग गया। आपसे सब कोई अब कोई पूछेगा नहीं कि तुम्हारा चैनल कौन सा है, अब यहीं से देख के लोग समझ जाएंगे। आप लोग आ सकते हो, भैया से कांटेक्ट कर सकते हो, यहाँ पे ये भाई भी काम करता है। और आपको अगर आना हो तो मैं दुकान के बारे में बता भी दूंगा, ट्रंक रोड पे ये दुकान है बालाजी ऑटो स्टिकर्स, यहाँ पे आपको नंबर में दिखा दे रहा हूँ, यहाँ पे आप आ सकते हो जो दुर्गापुर के हो, अगर आ सकते हो तो आप आओ। और ये आपको सीधा जो हम लोग का क्या बोलते हैं हम लोग का प्रांति का है, उधर से इधर आना पड़ेगा आपको उल्टा तरफ, मतलब डाउन की तरफ, और इधर आपका ट्रंक रोड चला जाता है पूरा। तो आप लोग आ सकते हो बालाजी स्टिकर्स में। यहाँ पे भाई है स्टिकर यहाँ पे लगा रहा है, मैं बैक में भी थोड़ा स्क्रैच आ गया था इसलिए मैंने बोला भाई थोड़ा लगा दो। तो आप लोग देख सकते हो भाई यहाँ पे फिक्स कर रहा है इसको। अब भाई हेलमेट में भी जान आ गया मेरा, अब गाड़ी में तो जान है ही है। हेलमेट रेडी हो गया, आप लोग देख सकते हो क्या खूबसूरत लग रही है अपनी हेलमेट, मतलब बोलो तो भैया काम बहुत मस्त है। और आप देख सकते हो कितनी प्यारी लग रही है, अब कोई भी अगर मेरे को पहचानेगा तो इस नाम से पहचानेगा, आप लोग देख सकते हो। और ये लुक पैक का अब मुझे किसी को बोलने की ज़रूरत नहीं, और अपनी हुमी तो अलग ही रही है प्यारी, आप लोग देख ही सकते हो। सो आप किसी को कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है, तो अब जस्ट ये सर्च करना है आपको, जस्ट ये चीज़, और आपको मिल जाएगा चैनल मेरा, आप लोग देख सकते हो। मैं निकल ही रहा था सो मंडल भैया के दुकान में आ गया, क्योंकि मेरा थोड़ा स्क्रैच हो गया था सामने का वाइजर, आप देख सकते हो मैंने रिप्लेस करवा दिया है। तो इसका मुझे प्राइस 200 पड़ा, ठीक ही है ऐसे सबको 400-500 बोल रहा था, बट मंडल भैया के यहाँ पे ये मिल गया मेरे को। सो अब लेके चलते हैं, उसके बाद दिखाते क्या है। सो गाइस, ये रही मेरी मम्मी, और सो आज देखो मैं मम्मी को दिखा रहा हूँ डैट मेरा चैनल जो है यहाँ पर मैंने लिखवा दिया है।
तो मम्मी देख रही है, आप मम्मी का रिएक्शन देखो। हर माँ का सपना होता है डैट उनका लड़का कुछ करे, बट मेरे लिए यही सब कुछ है। आप लोग देखो मम्मी कितनी प्यारी लग रही है, और हेलमेट में मैंने जो करवाया था आपको दिखा दिया है, बट फिर से मैं एक बार अभी आपको दिखा रहा हूँ। कोई पकड़ने वाला नहीं था तो मेरी मम्मी मेरा हेलमेट पकड़ी। आप लोग देख सकते हो कितना प्यारा लग रहा है यहाँ पे। आप कोई भी सर्च करेगा इससे आप लोगों को पता चल जाएगा डैट कि ये किसका चैनल है, क्या है, नहीं है। और वो रही हमारी मम्मी गार्ड में, जैसे मैं बोल रहा गार्ड भी लगवा दिया मैंने। सो बस यही था वीडियो, और इसी के लिए मैं बहुत इंतज़ार कर रहा था। सो ये वीडियो थोड़ा लेंदी हो गया, बट कोई बात नहीं, आपका सपोर्ट चाहिए और लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिएगा। देख सकते हो यही मैं मॉडिफिकेशन करवा रहा था अपने बाइक पे, जस्ट ऊपर से मैंने करवाया, बट आप लोग बताओ कैसा लग रहा है। और आप किसी को भी, अब आप मेरे को चैनल में आना हो तो आप प्लीज़ ये सर्च करो, इससे आपको पता चल जाएगा कि मेरा चैनल कौन सा है, क्या है, जैसे मैं बोल रहा था। सो स्टे ट्यून एंड लाइक शेयर सब्सक्राइब माई वीडियो। गाइस मैं अभी निकल रहा हूँ यहाँ से, और बात है कि जो मैं बोल रहा था अभी क्लेम बाद में, इसका अभी मैं करवाऊँगा, इसी महीने करवाऊँगा। जब करवाऊँगा तो इसको पर एक वीडियो में लाने ही वाला हूँ, तो जब क्लेम होगा तो आप लोगों को बताऊँगा, क्योंकि अभी मेरे को गाड़ी फिर यहाँ पे छोड़ के जाना होगा, उसके बाद जो होगा देखा जाएगा। सो मिलते हैं किसी नेक्स्ट ब्लॉग पर, यहीं पर मैं ब्लॉग ख़त्म कर रहा हूँ। तो जाने से पहले लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिएगा, और जो भी आपको दिक्कत आया कमेंट्स कीजिएगा। और आपका भूमि को लेकर निकल रहा हूँ, और आप देख सकते हो कि भूमि के साथ अब नया लुक आ गया है, एड ऑन हो गया है। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट ब्लॉग पे।